हेलो गेमर्स। नहीं गाइस, आप मेरे ही चैनल पे आओ, बस ऐसे ही, किसी दूसरे के चैनल पे नहीं हो, चिंता मत करो। सो हेय गेमर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, आज का माइनक्राफ्ट गेम प्ले ऐसा वैसा गेम प्ले नहीं वाला, आज का माइनक्राफ्ट गेम प्ले इतना खतरनाक होने वाला है, आप देखते रह जाओगे। अभी बजाए। सो गाइस, वर्ल्ड जनरेट हो चुका है और मैं किसी पेड़ के पास स्पॉन हुआ हूँ। और गाइस, मैं आज मल्टीप्लेयर गेम खेलने वाला हूँ मेरे दोस्त आनंद के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी जो सब लोग नॉर्मल चीज़ करते हैं, तो चलिए हम भी लकड़ी तोड़ते हैं। और आपको पता है अपना लकड़ा रखे बोलते हैं ओपी लकड़ा। गाइस, आज तो हमने सोचा है कि हमें आज विलेज ढूंढ के उधर ही रात गुजारना है, तो देखते हैं गाइस विलेज मिलता है कि नहीं। गाइस, क्रीपर, अरे पता ही नहीं चला क्रीपर। अगर गाइस, हमें पता ही नहीं था इधर क्रीपर स्पॉन हुआ है। अरे यार चलो, फुड़िया लगता है, किधर स्पॉन हुआ है पता भी नहीं है। चलो देखते हैं किधर स्पॉन हुआ है, पता चलेगा बाद में। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। तो गाइस, मेरा हंगर बार तो कम होते जा रहा है। मुझे नोबड़े का तो पता नहीं, देखते हैं किधर है। तब तक मैं कुछ खाना के लिए ढूंढता हूँ। बस अभी जो नॉर्मल चीज़ें वो पिकैक्स हैक्स वो सब बनाना है, बना के खाने के लिए तलाश करना है, नहीं तो हेल्थ पूरा खत्म हो जाएगा, इधर ही मर जाऊंगा फिर से मैं। खाना। तो चलिए गाइस, पहले ये सब पिकैक्स हैक्स वो सब बना लेते हैं। चलो गाइस, इधर खाना मिल गया, थोड़ा खाना। ओ भाई साहब, अगर फिर खाना नहीं मिलता तो मर जाता था मैं पक्का, क्योंकि पहले ही हंगर बार तो बहुत कम हो चुका है। चल चिकन KFC तेरा। गाइस, और आपको अगर मेरे वीडियो में फनी कुछ ऐसा अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत नज़दीक है। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट चाहिए आपका। तो गाइस, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मिंग स्टार्ट करूँ या अपना घर बनाऊँ, आप सजेस्ट करो, कमेंट में मेंशन कर दो मुझे क्या करना चाहिए। 5 minutes later। सो गाइस, इतना देर मैंने थोड़ी जानवरों को मारा है और उनके पास से मैंने थोड़ा फूड कलेक्ट किया है। और अभी रात तो होने वाली है, लेकिन मुझे तो अभी तक विलेज नहीं मिला, लेकिन आनंद ने बोला है उसको विलेज मिली है, इसलिए अभी उसने कोऑर्डिनेट्स बताया, वही कोऑर्डिनेट्स पे भी जाना है। तो गाइस, अभी रात हो चुकी है लेकिन फिर भी मुझे अभी तक विलेज नहीं मिला है, वही ढूंढ रहा हूँ, वो कोऑर्डिनेट्स बताया, लेकिन अभी कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम मुझे इतना जल्दी समझ नहीं आ रहा है, देखेंगे थोड़ा जल्दी समझ जाऊँगा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हो जाएगा। तो गाइस, उधर कुछ रेंडर हो रहा है विलेज। सो गाइस, मुझे विलेज मिल गया। तो गाइस, मुझे अभी उधर जाके सोना पड़ेगा, नहीं तो मॉब सके मुझे मार देंगे। तो विलेज तो मिल गया, बस अभी बेड मिलना बाकी है। गाइस, ये घर के अंदर तो बेड नहीं रहता है, मैं कितनी बार खेला उसके घर के अंदर बेड ही नहीं रहता। चलो ये घर में देखते हैं बेड है कि नहीं। गाइस, ये बेड पे विलेजर्स है जिसने सुबह से लेके बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन फिर भी विलेजर्स आपको उठना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी सुबह तो हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा खाना इकट्ठा करूँ, क्योंकि मेरे पास मेन बात खाना नहीं है। और आपको तो पता है सर्वाइवल में खाना तो बहुत ज़रूरी है, बिना खाने के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अभी खाना इकट्ठा कर रहा हूँ, वीट तोड़ रहा हूँ, अभी फिर से लगाना है।
तो गाइस अभी मैं ब्रेड बनाने वाला हूँ। हेल्थ भी बहुत कम हो चुका है, अभी ब्रेड बना खाना है। चल खा ले, खा रहा हूँ, रुको गाइस खा रहा हूँ। सो गाइस चलिए देखते हैं कि ये विलेजर हमसे क्या ट्रेड करेगा। अरे गाइस, अरे भाई मिस्टेक लग गया, विलेजर क्यों इतना जा रहा है। गाइस ये 15 कोल में एक एमरल्ड दे रहा है। गाइस ऐसा है तो कोल कलेक्ट करूँगा बाद में, और कोल कलेक्ट करके इसके साथ ट्रेड करूँगा। चल स्केलेटन रुक, मार रहा हूँ, स्केलेटन मारता रहता है मारता रहता है, और स्पाइडर को तो काम ही नहीं है। नोबडी स्पाइडर। गाइस मुझे लगता है कि ये विलेज में बिल्लियाँ बहुत है, क्योंकि मैं हर जगह देखता हूँ बिल्ली दिखाई देती है। मुझे डॉग को टेम करना है गाइस, क्योंकि डॉग को टेम कर लिया तो स्केलेटन की तो फट जाएगी, हमारे पास आएगा भी नहीं। और बिल्ली को भी टेम करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि क्रीपर तो अपने पास आएगा भी नहीं, क्योंकि फिर क्रीपर तो बिल्ली को देख के डर जाता है। गाइस लेकिन मैंने इधर ये ऑब्जर्व किया है कि ये विलेज में फार्म्स तो बहुत है, खाने की तो कुछ कमी नहीं होने वाली है, और लगता है कि फार्मर भी ये विलेज में ज़्यादा है, तो उनके साथ ट्रेड करके भी एमरल्ड्स कमा सकता है। गाइस इसके अंदर क्रीपर है, क्रीपर इसके अंदर कैसे स्पॉन हो गया पता नहीं, मारूं? हाँ गाइस मार ही देता हूँ, देखें क्या होगा। लेकिन ऐसा तो मार नहीं सकता, नहीं तो उधर फूट जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि वो ब्लॉक्स तोड़ के मारता हूँ, तो गाइस ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। सो गाइस अभी क्रीपर तो बाहर आने ही वाला है, बस थोड़ा बचा है, रुको गाइस और 2-3 ब्लॉक है, 2-3 ब्लॉक तोड़ के मार दूंगा, नहीं तो लामा मर जाएगा। भैया क्रीपर दूर जा दूर जा। गाइस अभी मार देता था एक क्रीपर मुझे, गाइस उधर तक स्वॉर्ड नहीं जा रहा है, इसके अंदर पानी के अंदर रह के मार सकता हूँ, बस इधर तो मैं ही मर जाऊँगा। क्रीपर भैया कैसे मारो आपको, नहीं गाइस फट जाए। म्यूजिक। सो गाइस इसके अंदर हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, और फायदा ही फायदा हुआ, क्योंकि मुझे ब्लॉक्स तोड़ने का मन नहीं था और इसने ब्लॉक्स दे दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सो गाइस अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करके जाओ, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस जितना हो सके आप इतना शेयर कर दो वीडियो को। गाइस प्लीज मेक माय 50 सब्सक्राइबर सून। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और गाइस मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि कोविड केसेस बहुत बढ़ते जा रहा है, इसलिए बाहर जाते समय कभी भी मास्क पहन के जाओ, और पॉकेट में एक छोटा वाला पॉकेट सैनिटाइजर यूज़ करो, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखो। सो थैंक यू गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।